वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 11 और मेरा नहाना पूजा नाश्ता सब कुछ हो चुका है, तो थोड़े से तो बदलाव है, अच्छी बात है। गुड रश्मि गुड। फेस कब ठीक होगा? पूरा स्वेलिंग, ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए गाइस, आज भी बहुत सारे काम है, मतलब डेली ही काम रहते हैं। और डीमार्ट भी जाना है क्योंकि पूजा का एक तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और भी एक दो सामान और भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी लेने जाना है और वीडियोस भी बनाना है। तो चलिए पहले उसके लिए हम रेडी होते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हम पहले क्या काम करते हैं। गाइस आज का वीडियो बनाना कैंसिल हो गया है क्योंकि जो कुणाल है वो आज थोड़ा सा बिजी है, बाहर गए हुए हैं, तो आज वो घर पर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे आज। तो चलिए कोई बात नहीं, और बाकी के जो भी काम है वो निपटाते हैं। और गाइस उससे पहले मुझे आपके साथ में एक बात शेयर करनी थी जो कि बहुत ही दुख भरी है। मैं समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ में कैसे उस बात को शेयर करूं क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ आज क्या घटना हुई है? बहुत बड़ी घटना हुई है गाइस। अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे नेल्स टूट गए दो, दोनों एक साथ, इतने बड़े बड़े थे। बहुत दुख हो रहा है सुबह से मुझे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ऊपर से मेरा फेस इतना स्वेलिंग हो रखा था सर, बोलने में भी मुझे अजीब लगता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ। अभी लग रहा है एक दिन और जाएगा मेरा फेस ठीक होने में, तो चलिए कोई नहीं। और गाइस मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है क्योंकि आजकल मैं कुछ भी ऐसा तला भुना और कुछ भी ऐसा बाहर की चीजें मैं इग्नोर कर रही हूँ थोड़ा खाने का, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। सो ये बनाई है मैंने अरहर की सिंपल दाल जिसमें मैंने हींग और राई का तड़का लगाया है, साथ में लापसी और हमारी आंटी जी के हाथ का बना हुआ मिर्ची का अचार। चलिए मैं तो जाती हूँ अभी, पहले खाना खाती हूँ एंड उसके बाद फिर चलते डीमार्ट। मैं आ गई हूँ अभी डीमार्ट और आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पूरे बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। तो चलिए अभी थोड़ा सा जो भी सामान लेना वो लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सी बोतल लूँ, छोटी या बड़ी। तो वैसे तो मैं अधिकतर सारी चीज़ें लेने में ही कंफ्यूज रहती हूँ, चाहे घर का राशन लेना हो या सब्ज़ी लेनी हो, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो बस अभी मैंने फिर बड़ी वाली बोतल ही ले ली थी कि चलो कुछ टाइम तो चलेगी। कितने मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आई थी यहाँ पे बस एक पूजा का ऑयल लेने के लिए और सामान मैंने फिर से काफ़ी भर लिया है। और दूसरा मैं यहाँ पे ना बहुत गलत दिन आ गई हूँ क्योंकि आज है संडे और बहुत वेट करना पड़ेगा ब्लिंक के लिए। वो किधर जाए किधर जाए किधर जाए, वो सब में वेटिंग बहुत क्राउड है आज संडे के दिन। घर से आने से पहले भूल ही गई थी क्योंकि आना भी जरूरी था क्योंकि बिल्कुल भी दिया लगाने के लिए भी तेल नहीं था, कल ही खत्म हो गया था, तो आज सुबह पूजा भी नहीं कर पाई थी अच्छे से। चलो जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है तो चलिए बस अभी ब्लिंक कराते हैं जब भी हमारा नंबर आता है। तो गाइस डीमार्ट से बाहर निकली तो देखा कितना अंधेरा हो रहा है और अभी टाइम सिर्फ शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी से इतना अंधेरा हो गया, बाकी दिन तो इतना उजाला सा रहता है। और बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो भी हो मज़ा आ रहा है इस मौसम में। मौसम बरसात आ गई तो मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की बारिश में मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी तेज़ हो रही है। मैं यहाँ बैठी हूँ किसी और भी बिस्तर पे आके, मस्त यहाँ पे मौसम लग रहा है ठंडा ठंडा सा। और जाती हूँ मैं अभी मस्त दूध वाली चाय बनाकर यहाँ बैठी, चाय की मज़े लेते हैं, चाय विद बारिश, चाय बनाते हैं। तो गाइस मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज फिर से मैं कुछ डाइट का ही कुछ अलग बना रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटी छोटी सी सब्जी कट की हुई है सारी, और इधर है सूजी और दही को मिक्स करके मैंने बना रखा है,
और गाइस मैं इसका बना रही हूँ अप्पे, तो चलिए बनाते हैं। डिनर तो रेडी है और देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बना है। और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि सारी वेजिटेबल्स और सूजी और दही है, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं जो अनहेल्दी रहेगा। और साथ में तीखी तीखी चटनी, यम। तो चलिए मैं तो अपना अप्पे इंजॉय करती हूँ। अगर आप सबको भी बनाना होगा तो अब मैंने दिखाई दिया कि मैंने कैसे कैसे बनाया, वैसे बहुत सिंपल है तो आप बना सकते हैं। जो भी टाइप पे रहते हैं खासकर उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं तो अपना पहले अप्पे इंजॉय करती हूँ।